हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टुडेज क्लास। सो स्टूडेंट, एज यू नो वी आर रीडिंग अवर 10th चैप्टर नेचुरल डिजास्टर्स एंड माइटिगेशन। हमारा जो 10th चैप्टर है नेचुरल डिजास्टर एंड माइटिगेशन, ये पढ़ रहे हैं जहां हमने डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर लाइक फ्लू, ड्राफ्ट और साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स, इनके बारे में पढ़ लिया है। आज हम और जो डिज़ास्टर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लस ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे जो ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पर हेल्प करती है लोगों को, इस डिज़ास्टर से होने वाले जितने भी नुकसान है, डैमेज है, उनको उनकी भरपाई करने में और उससे रिलीफ पाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स का मीनिंग होता है महामारी। जनरली एपिडेमिक्स जो है नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, बल्कि उस नेचुरल डिज़ास्टर का रिजल्ट हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि जो एपिडेमिक्स होती है, जो महामारियाँ होती हैं, ये क्या है, जो डिज़ास्टर्स होते हैं उनका रिजल्ट या उनका इफ़ेक्ट है। क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं उसी की वजह से महामारियाँ या एपिडेमिक्स फैलती हैं। मोस्टली एपिडेमिक्स आर द मोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। मोस्टली एपिडेमिक्स आर द मोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट। जो ज़्यादातर एपिडेमिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो पोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? पोस्ट क्लाइमेटिक इम्पैक्ट मतलब जो क्लाइमेटिस, जो आपदाएँ परेशानियाँ आ चुकी हैं उनके बाद होते हैं। तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि जो एपिडेमिक्स हैं वो क्या हैं, उन डिज़ास्टर का रिजल्ट है, उसकी वजह से होते हैं। सो स्टूडेंट, एपिडेमिक्स क्या है? एपिडेमिक्स जो है डिज़ास्टर नहीं, बल्कि डिज़ास्टर का रिजल्ट है। ओके, सो एपिडेमिक अक्योर व्हेन डिज़ास्टर स्प्रेड ऑन अ वेरी वाइड स्केल एंड कोज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ। एपिडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक कैसे होता है, जब डिज़ास्टर जो है स्प्रेड फैल जाता है ऑन वेरी वाइड स्केल, बहुत बड़ी स्केल पे, एंड कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ, और क्या बन जाता है, कारण बन जाता है, कॉज बन जाता है बहुत ज़्यादा डेथ का। जब किसी डिज़ास्टर की वजह से जब बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है तो उसको क्या कह सकते हैं, हम महामारी कहते हैं। तो एपिडेमिक कब होता है, जब डिज़ास्टर की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है और ये डिज़ास्टर जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो उसे हम एपिडेमिक कह सकते हैं। इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और वो भी बहुत कम टाइम के अंदर, बहुत कम टाइम में जब कोई डिज़ास्टर फैल जाता है और उसकी वजह से बहुत सारा लोगों की मौत होती है तो उसे एपिडेमिक या महामारी कहा जाता है। डिजीज लाइक कॉलेरा, गैस्ट्रोनेटियर्स, सो डिजीज लाइक कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मैक्सल प्लग एंड मलेरिया ब्रेक आउट एज एपिडेमिक्स ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन आफ्टर डिजास्टर लाइक फ्लूड्स, हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक। और बीमारियाँ जैसे कॉलेरा, कॉलेरा मीन्स हेजा, गैस्ट्रोएंटेरिटिस मीन्स होती हैं पेट से, जो भी स्टमक से रिलेटेड बीमारी होती है वो, मिसल्स, प्लग, प्लेग और मलेरिया जैसी बीमारियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं। ब्रेकआउट एज एपिडेमिक्स, ये महामारी के रूप में या एपिडेमिक के रूप में फैल जाती है ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन। किस वजह से, अनहाइजेनिक जो गंदगी फैलती है, जो अनहाइजीन फैलता है उसकी वजह से, आफ्टर डिजास्टर लाइक फ्लूड, हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक। अब जैसे है ना, बाढ़ आई है तो बाढ़ की वजह से चारों तरफ पानी हो गया, कीचड़ हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरियाज एंड जर्म्स जो हैं वो पैदा होते हैं, वो बीमारियां फैलाते हैं। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं वो कब होती हैं, और ये महामारी कब बनती है, जब जो डिज़ास्टर्स होते हैं फ्लूड, अर्थक्वेक और या हैवी रेनफॉल, इनकी वजह से चारों तरफ गंदगी और अनहाइजीन हो जाता है, तब बैक्टीरियाज और जर्म्स पैदा होते हैं और ये बीमारियां फैलाते हैं। और जब इस बीमारियों में जो है बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार होते हैं या डेथ हो जाती है बहुत ज़्यादा लोगों की, तब इन्हें हम एपिडेमिक या महामारी कह सकते हैं। ओके, नाउ माइटिगेशन, माइटिगेशन का मीनिंग होता है शमन। वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज टेक
initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट में कहा जाता है NGOs. NGOs की फुल फॉर्म क्या हो गई? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. जो क्या करते हैं, टेक इंस्टीट्यूशन वी आर क्या करते हैं, पहल करते हैं, इनिशिएटिव टू प्रोवाइड रिलीफ एंड सपोर्ट टू पीपल इफेक्ट बाय नेचुरल क्लैमिटीज़. ये लोग पहल करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं और रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं और सपोर्ट देते हैं जो लोग नेचुरल डिज़ास्टर या नेचुरल क्लैमिटीज़ का शिकार हो जाते हैं उन लोगों को. तो बहुत सारी ऐसे NGOs होते हैं जो लोगों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं जो लोग नेचुरल डिज़ास्टर का शिकार होते हैं या उससे इफ़ेक्ट होते हैं उन लोगों को. Some of the organization that provide help and support with money and manpower. Some of organization that provide help and support. कुछ organization है जो help और support provide करती है with money and manpower. पैसे से और manpower से. Okay, कुछ ऐसे organizations हैं जो क्या करती हैं, पैसा और manpower की help से लोगों को support and relief provide कराती हैं, जिनमें है द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. इसमें जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है वो है द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, है ना. फिर है वॉलंटियर्स ऑफ फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट. वॉलंटियर्स फॉर इंडिया डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, जिसे शॉर्ट में VIDE कहा जाता है. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस के नेम है. द ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ, ऑक्सफोर्ड कमिटी फॉर फेमाइन रिलीफ, जिसे शॉर्ट में OXFAM, ऑक्सफैम कहा जाता है. ओके, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की मुसीबत में हेल्प करती है. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, जिसे शॉर्ट में यूनिसेफ कहा जाता है. क्या कहते हैं इसे? यूनिसेफ. यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड. चाइल्ड रिलीफ एंड यू, चाइल्ड रिलीफ एंड यू, क्राई, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? क्राई. तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि क्राई की फुल फॉर्म क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? चाइल्ड रिलीफ एंड यू. फर्स्ट हैंड फाउंडेशन. फाइट द ड्राफ्ट फंड्स. ये हैं ऑर्गेनाइजेशंस के नेम जो लोगों को हेल्प करती हैं. कब? जब वो किसी भी तरह के नेचुरल क्लैमिटीज से या डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट हो जाते हैं, उसका शिकार हो जाते हैं तब. Many other agencies of the United Nations work actively to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster affected people. और भी कई सारी एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की जो वर्क कर रही हैं एक्टिवली टू प्रोवाइड रिलीफ, रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए एंड हेल्प देने के लिए इन द प्रोसेस ऑफ रिहैबिलिटेशन, दोबारा से लोगों के घर बसाने या उनके आवास. रिहैबिलिटेशन मतलब दोबारा से लोगों के घर बसेरे को बसाना या घर को बसाने के लिए. डिजास्टर्स लाइक अर्थक्वेक हो गया, फ्लूड हो गया, तो इनमें क्या होता है, लोगों के घर बह जाते हैं, टूट जाते हैं. तो ऐसी कंडीशन में जो यूनाइटेड नेशन है वो क्या कर रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है ताकि वो फिर से अपना घर बसा सकें, फिर से अपने रहने की जगहों का जो है इंतज़ाम कर सके ऑफ डिज़ास्टर इफेक्टेड पीपल. जो डिज़ास्टर इफेक्टेड पीपल है उनकी ये हेल्प करते हैं. द यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम. द यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, अब इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? UNDMT को की फुल फॉर्म क्या हो गई? यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम. इन इंडिया
comprises the UNICEF, UNESCO, ILO, FAO एंड WHO। अब ये सब जो हैं ये किसकी यूनाइटेड नेशन की टीम्स हैं, यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट टीम है जो इंडिया में काम कर रही हैं, जिसमें यूनिसेफ, यूनेस्को, ILO, FAO एंड WHO ये जो है इनके ऑर्गेनाइजेशंस के शॉर्ट फॉर्म्स हैं, ठीक है। ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशन कम फॉरवर्ड टू हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये आगे आती है ज़रूरत के टाइम पर, जब ज़रूरत होती है डिज़ास्टर्स के वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज नुकसान हो जाता है, तब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है ये हेल्प करने के लिए आगे आती हैं, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं अदर कंट्रीज़ में भी। ओके, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ से रिलेटेड है। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड टेक केयर एंड बाय।